हाय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, आईएएस ईएसई बोल सकते हैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का ये क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस में ये पार्ट फोर है, ठीक है। पार्ट फोर जिसमें मैंने ब्रिक एंड स्टोन मशीनरी से लिए गए क्वेश्चंस पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले भी मैंने सीमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे थे, कंक्रीट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्डिंग मटेरियल में, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं ब्रिक एंड स्टोन मशीनरी में। ये पार्ट फोर वीडियो है जिसमें 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक? ट्रेडिशनल ब्रिक की बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक होंगे रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क है विथ स्टैंडर्ड थिकनेस। सीमेंट मोर्टार का जो स्टैंडर्ड थिकनेस है, ठीक है, स्टैंडर्ड थिकनेस 1:3 टू 1:5 एज द केस में भी, तो कितने नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स के मैंने साइज बताए थे आपको, अगर उसकी आपको साइज अगर याद है ट्रेडिशनल ब्रिक का, तो मैंने बताया था कि 23 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट याद रखेंगे कि ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज है वो 23 × 11 × 7, ये उसकी साइज है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रिक वर्क है वो 10 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम मीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं, तो मीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दी, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं बात करूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करते हैं, तो 10⁻⁶ होता है, ठीक है, 10⁻⁶ होता है। फिर बाद में हम इसका मल्टीप्लीकेशन 10 मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स में डिवाइड कर देंगे इसको, जो ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज़ है, तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मोटार के साथ बोला है, तो ध्यान रखेंगे मोटार के साथ है, तो इसमें आप सब में 0.5 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, 0.5 सेंटीमीटर इसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये 0.5 हो जाए, या 11.5 हो जाए, या 7.5 है, तो मोटर के साथ है, तो इसलिए हम 0.5 सेंटीमीटर का हम उसका थिकनेस लेकर और उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो है ना 4934 जितना आ जाता है। तो 4934 के आसपास सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और ख़ुद पहले ट्राई करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो 62 को मैं बताने से पहले आप आंसर खुद ही टिक कर लीजिए, कि ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले कि कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, फॉर हाई क्लास ब्रिक, ठीक है, फॉर हाई क्लास ब्रिक मशीनरी विच आर द प्रॉपर ब्रिक। कौन सा हाई क्लास की बात कर रहा है, तो किस टाइप का जो प्रॉपर ब्रिक होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, प्रॉपर ब्रिक की अगर मैं बात करूँ, तो जो मॉडुलर ब्रिक है, मॉडुलर ब्रिक्स, वो हाई क्लास मशीनरी वर्क के लिए बेटर है, ठीक है, फॉर हाई क्लास मशीनरी वर्क के लिए बेटर है, मॉडुलर ब्रिक याद रखेंगे, मॉडुलर ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 63 इसमें क्या बोल रहा है कि मॉडुलर ब्रिक की यहाँ पे देखिए बात किया है, तो मॉडुलर ब्रिक आर नॉमिनल साइज, दिस नॉमिनल साइज दिया है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर एंड 20% ऑफ द वॉल्यूम इज लॉस्ट इन मोर्टार बिटवीन जॉइंट, ठीक है। 20% वॉल्यूम तो इसका लॉस हो जाता है, कहाँ पर, मोटार बिटवीन जॉइंट, मतलब उनके दोनों के बीच में मोटार जो यूज करते हैं उसमें, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक, मॉडुलर ब्रिक कितने होंगे रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, पर क्यूबिक में 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितने होंगे। तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट को, आपको तो पहले ही पता ही है कि इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक्चुअल जो मॉडुलर ब्रिक होता है उसकी साइज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम ऑफ मोटार का अगर क्यूबिक मीटर में फाइंड आउट करूँ, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना होगा। यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना होगा, तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ मोटार फाइंड आउट कर लें, और वॉल्यूम ऑफ मोटार जैसे मिलता है
ठीक है, तो उसमें से वो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आप वॉल्यूम ऑफ जो ब्रिक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ मोर्टार माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार माइनस कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मिल जाएगा, और ब्रिक का जितना वॉल्यूम होगा उसमें 1 ब्रिक का जो साइज़ है वो डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आप देखिए यहाँ पर जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकालेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ मोर्टार जैसे निकलता है तो उसके बेस पे 1 में से वॉल्यूम ऑफ मोर्टार माइनस कर देंगे तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है, और जितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है उसमें आप डिवाइड कर दो जो उसकी एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक है मॉडुलर ब्रिक का 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, तो डिवाइड करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नंबर ऑफ ब्रिक का मिल जाएगा। तो मेरा जो कैलकुलेशन शो बता रहा है वो 470 आता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू अचीव अ सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 kg/cm, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है इन ए ब्रिक मेसनरी, व्हाट शुड बी द सुटेबल रेंज ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का सुटेबल रेंज क्या होगा। तो अगर सुटेबल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो IS कोड में भी इसका सुटेबल रेंज दिया है 1077 से ले 1992 का ये IS कोड है, 1077 ये IS कोड है जिसमें मिनिमम जो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक है वो 300 kg/cm² होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम की बात किया है, ठीक है, मिनिमम की बात किया है। यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे तो सब देखिए, पहला अगर मैं बात करूँ तो पहला कितना है, 70 तक ही है, यहाँ पे 70 से 105 तक ही है, 105 से 125 है, मोर देन 125 kg की बात किया है तो मोर देन मतलब बहुत ज़्यादा, 125 से ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही हो सकता है, और यहाँ पे मिनिमम कोड बोल रहा है कि 300 kg/cm³ होना चाहिए, तो डी आंसर राइट हो सकता है। ठीक है, 125 kg/cm² से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इस करेक्ट को अगर आपको देखना है तो आप वन बाय वन देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते जाते हैं कि पहला क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज इन्फ्लुएंस बाय टाइप ऑफ मोर्टार। सही बात है कि उसके मोर्टार के ऊपर डिपेंड होता है उसका स्ट्रेंथ जो होता है उसके मोर्टार के ऊपर डिपेंड होता है। ब्रिक मेसनरी विथ लाइम मोर्टार अचीव फुल स्ट्रेंथ अर्लियर देन सीमेंट मोर्टार में, नहीं गलत है, मोर्टार स्ट्रेंथ डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मेसनरी देखिए यहाँ पे ध्यान देना, इज इन्फ्लुएंस बाय टाइप ऑफ मोर्टार, मोर्टार के टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि मोर्टार का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी, तो टाइप ऑफ मोटार डिसाइड करता है, मोटार स्ट्रेंथ की बात नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बी है, सिर्फ ओनली वन ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं कि ये 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्नड क्ले ब्रिक इज लेस देन 12.5 न्यूटन पर mm, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो बर्नड क्ले होता है उसका 12.5 न्यूटन पर mm, द अलाउबल रेटिंग ऑफ एफ्लोरेसेंस इज, एफ्लोरेसेंस का रेटिंग कितना होगा, अलाउबल रेटिंग की बात की है एफ्लोरेसेंस, तो यहाँ पर आपका मॉडरेट होगा। ध्यान देना कि ये IS कोड में भी बात किया है कि कितना से कितना होता है, तो उसका अगर 12.5 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 12.5 से ज़्यादा ना हो, अप टू 12.5 तक मॉडरेट होता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा होता है तो स्लाइट होता है, ये पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर देख के और बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को। ब्रिक लूज देयर स्ट्रेंथ बाय 24% व्हेन सोक्ड इन वाटर, नहीं गलत है,
मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इन बिल्डिंग शुड बी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात किया है और ब्रिक बिल्डिंग शुड बी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन राइट है। द साइज ऑफ मॉडलर अगर ब्रिक की तो सही बात है, ये साइज है ठीक है। तो मॉडलर ब्रिक की साइज 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है, तो सेकेंड और थर्ड डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन अ कॉलम इज सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ आइदर बाय मेसनरी वॉल्स और बाय कंस्ट्रक्शन ऑन ऑल द साइड्स देन इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज क्या होगा। दे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है और वो स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पर जो आंसर है वो है 0 ठीक है, पी ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है। द मिनिमम वॉल थिकनेस ऑफ एनी लोड बियरिंग वॉल इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग बिल्ट विथ मोर्टार एज पर IS कोड शुड नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम वॉल थिकनेस की बात किया है, एनी लोड बियरिंग वॉल है, अगर कोई भी लोड बियरिंग है तो इतने से कम तो नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 brick थिकनेस जितना, मतलब जो ये 19 साइज़ का होता है, ये 19 का, तो इतना तो उसका होना ही चाहिए, 19 सेंटीमीटर का वॉल तो होना ही चाहिए, 1 brick वॉल थिकनेस तो होना ही चाहिए ठीक है। मिनिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं इकोनॉमिकली को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे कि द पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज रेनफोर्स ब्रिक मशीनरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोडिंग एंड इज एट और डेप्थ ऑफ, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1/3, जो न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजिशन है तो वो है 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, ये याद रखेंगे 1/3 ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो फॉर लोड बियरिंग मशीनरी वॉल बिल्ट इन सीमेंट मोर्टार एज पर IS कोड, ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, तो सेल नॉट बी एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात कर रहा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से जो इसका पार्ट वन वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है 27 ठीक है, 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एज पर मेसनरी कोड द स्टिफनेस कोएफिशिएंट फॉर वॉल स्टीफन बाय पायर्स बट्रेस और इंटरसेक्शन वॉल कैन बी, तो यहाँ के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन 1 से लेके 2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसके बेस पे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो चीज़ें देख लेते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो चीज़ें भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या पॉइंट दिया है कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लोड बियरिंग मशीनरी वॉल फॉर अ ड्वेलिंग हैविंग मोर देन 2-story सेल नॉट एक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, 12 इफ लाइम मोर्टार इज यूज, सही बात है, 18 इफ सीमेंट लाइम मोर्टार 1:2:9 इज यूज, ठीक है, 1 या 2:9 इज यूज करते हैं तो 18 आता है, उसका स्लेंडरनेस रेशियो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी राइट है। 24 के लिए यहाँ पर बात किया है कि इफ सीमेंट मोर्टार 1:6 इज यूज, तो ये भी पॉइंट सही है ठीक है, ये भी पॉइंट क्या है सही है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जो सीमेंट लाइम मोर्टार और वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो बिटवीन पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार एंड लाइम मोर्टार मे बी यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 की, और इस 74 में क्या बोल रहा है, इफ़ द इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव हाइट इफेक्टिव थिकनेस ऑफ ए मशीनरी वॉल आर LH and T रिस्पेक्टिवली हैं अगर, देन द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द वॉल सेल बी, तो उसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा, तो स्मॉलर ऑफ L/T एंड H/T होता है। ध्यान रखेंगे कि उसका सिलेंडर रेशियो L/T हो या H/T जितना होता है, तो ये पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट होता है, क्योंकि तो L/T और H/T से स्मॉलर होता है, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सिलेंडरनेस रेशियो अगर इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव हाइट
और इफेक्टिव थिकनेस किया हो मैसनरी वॉल का, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो जो वॉल का होगा वो होगा स्मॉलर होगा, एल बाई टी और एच बाई टी से स्मॉलर होगा। कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और किसके बेस पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, परफोरेटेड ब्रिक के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। परफोरेटेड ब्रिक प्रीफर इन कंस्ट्रक्शन की बात किया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके बेस पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन बाय वन देख सकते हैं, दे आर लाइटर, अगर ये लाइटर है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सही है, या लाइटर होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग देन क्लास 1 ब्रिक, नहीं, ठीक है। दे आर हैव हीट इंसुलेटेड प्रॉपर्टीज, सही बात है। और फोर्थ है, दे आर चीपर एंड नीड लेसर मोर्टार, नहीं। तो ये 1/3 सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देख सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक ये तो आपको पता ही है, 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर, ये तो आपको अच्छे से पता है, तो ये आप बता सकते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें बोला है कि एज पर IS क्लासिफिकेशन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, कितने होने चाहिए। मिनिमम बात किया है, मिनिमम की बात कर रहा है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम की बात कर रहा है तो वो 100 kg/cm³ होना चाहिए। पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, 100 kg/cm³। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है कि व्हेन प्रोवाइड विथ अल्टरनेटिंग क्रोर्स ऑफ ए ऑल हेडर्स या ऑल स्ट्रक्चर, द फ्रंट एलिवेशन ऑफ सच ब्रिक मेसनरी इज डिजाइन एज ए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव कोर्स, पहले अल्टरनेटिव कोर्स की बात किया है कि हेडर होगा फिर स्ट्रक्चर होगा, तो ये फ्रंट एलिवेशंस में दिखते हैं, तो वो किस में दिखते हैं। तो आप को मैंने जो मैसनरी बॉन्डिंग का बताया है, तो उस मैसनरी बॉन्डिंग में पहले सब हेडर दिखेंगे फिर स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो इंग्लिश बॉन्ड में ही दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन में क्या बोला है कि IS कोड स्पेसिफाइड डेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शैल बी डिटरमाइंड बाई कीपिंग द ब्रिक की बात किया है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट बोल रहा है कि ऑन एज की बात किया है, ऑन बेड की बात किया है, तो ऑन बेड सही है। आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 2 आवर्स, नहीं ये भी नहीं, ये भी गलत था। और आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 24 आवर्स, सही बात है। तो 2 और 4 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट 4 का, एक और ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी का पार्ट 5 भी लेकर आएंगे कि ताकि आपके लिए आसान रहे। चलिए 80 जो नंबर का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन एज रिगार्ड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, गुड ब्रिक अर्थ के लिए ऑड वन रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ऑड वन रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसको देख लेते हैं। क्या बोला है कि इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लम्प्स ऑफ लाइम, इट शुड नॉट बी मिक्स विथ सॉल्टी वाटर, इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस। तो ये वाला पोर्शन राइट है, ऑड है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो उसके लिए सही है, लेकिन ये वाला उसके डिफरेंट लग रहा है, बाकी सब के कंपैरिजन में ये डिफरेंट लग रहा है कि नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है, कि नॉन होमोजीनियस नहीं, हम उसको होमोजीनियस में बना लेते हैं फिर बाद में उसको करते हैं। इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये डी की ऑप्शन की मैं बात करूँ या बी की या ए की, तो ये सारे एक गुड ब्रिक के लिए बेस्ट होते हैं, बट ये इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है, तो ये अलग है, क्योंकि ये गुड ब्रिक का निशानी नहीं है, ठीक है, होमोजेनियस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन राइट है क्योंकि ये ऑड है, ठीक है, बाकी सब तो गुड ब्रिक के लिए प्रॉपर है लेकिन ये गुड ब्रिक के लिए नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से देखते रहिए, ऐसे ही कुछ 20 क्वेश्चंस फिर पार्ट 5 में भी लेकर आएंगे कि ताकि आपके लिए ये क्वेश्चंस देखकर और आप आइडियाज़ ले सकते हैं, कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ताकि आपके लिए
आपकी हेल्प के लिए मैं तैयार रहूँ हमेशा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।